नमस्कार, 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। आजमगढ़ में एसपी नेता के काफले में स्टंटबाजी देखने को मिली है। एसपी के नवनिर्वाचित एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के काफले में स्टंटबाजी हुई है और इस दौरान चौराहे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ती नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। एसपी सिटी ने शहर कोतवाल को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक गाड़ियों का काफिला जा रहा है व इसमें कुछ व्यक्ति खिड़की से गाड़ी के बाहर हैं और हाथ हिला रहे हैं। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी जाएगी और नियम अनुसार इसमें दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, कल देर शाम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एमएलसी बनने के बाद गुड्डू जमाली आजमगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद इनका काफिला पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ता है कि काफिले में कुछ समर्थक इनके कारों के गेट के बाहर निकलकर स्टंटबाजी करने लगते हैं और पार्टी के पक्ष में जो है नारेबाजी करने लगते हैं, जिसका वीडियो एक वायरल होता है। इस वीडियो में ये भी देखा जाता है कि कुछ पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक चौराहे पर खड़े होते हैं वो इस वीडियो को देखकर नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए चले जाते हैं और कार्यकर्ता खुलेआम जो है ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो के बाद जो है आजमगढ़ जिले के एसपी सिटी सलील लाल ने इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश एसपी सिटी ने सर कोतवाल को दिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इन वाहनों का पहचान किया जा रहा है, जिसके बाद पहचान करने के बाद इनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ गिरफ्तारी और गाड़ी सीजिंग की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।